सुप्रीम कोर्ट ने रमजान की वजह से लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान का समय बदले जाने की मांग वाली याचिका कर खारिज कर दी है। और इससे पहले चुनाव आयोग ने मतदान के समय में बदलाव करने से इनकार किया था। एडवोकेट निजामुद्दीन पाशा ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि रमजान की वजह से मतदान सुबह 7 बजे की बजाय 5:30 से 6 बजे के बीच शुरू हो। मुस्लिम धर्म गुरुओं और याचिकाकर्ता का तर्क था कि अभी तक मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक है। रमजान का महीना शुरू हो जाने के कारण मुस्लिम मतदाताओं को इससे परेशानी हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।